हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाना बताऊंगी छह कली वाला पेटीकोट बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है एक पेटीकोट जो कि पहले से ही सिला हुआ हो। तैयार पेटीकोट हम लेंगे और देखेंगे उसका पूरा मेजरमेंट कितना है, उसकी पूरी लंबाई कितनी है। तो मेरे इस पेटीकोट की लंबाई है 38 इंच। 38 इंच ये लंबा है, जिसमें से 2 इंच बेल्ट के लिए हमें छोड़ देना है। उसके बाद बचेगा 36 इंच, तो हमें इसी निशान से कटिंग करनी है 36 इंच से। तो अब हम लेंगे पेटीकोट का एक कपड़ा, जिसको हम लंबाई में अच्छे से इस तरह से फैला देंगे। इसे हमें लंबाई में फैलाना है। अब हम इस पे 36 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड हमें 36 इंच पे मार्क कर देना है, निशान लगा लेना है। ये 36 इंच है, इस पे मैं निशान लगा लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लूंगी मैं। ये 36 इंच पे दूसरी साइड भी मैंने निशान लगा लिया है। अब जहां से 36 इंच पे निशान लगाया है, वहीं से हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरह से लंबाई में ही फोल्ड करना है। दोनों साइड से बराबर कर लेंगे। दोनों साइड में निशान इसीलिए लगाते हैं ताकि ये बराबर हो। अब इसे इस तरह से फैला के रख लेंगे। एक बार फिर से हम इसको नाप लेते हैं कि ये 36 इंच है या नहीं है। तो ये 36 इंच है, पूरा 36 इंच। इसके बाद जो कपड़ा बचा हुआ है उसे हमें काट लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट लेंगे। इसको हम बेल्ट में या फिर डोरी या नीचे पट्टी में लगाने में इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद पेटीकोट में हम निशान लगा लेते हैं। छह कली वाला पेटीकोट है तो छह भाग में निशान भी हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमें लेना है 6 इंच, 6 इंच पे निशान हमें लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद हम लगाएंगे 18 इंच पे, 18 इंच पे निशान हमें लगाना है। सिक्स, 18, उसके बाद फिर से 6 इंच पे निशान लगाना है। 6 इंच पे हमें फिर से साइड में निशान लगा लेना है। अब हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेते हैं। तो दूसरी साइड हम 9 इंच पे यानी कि 9 इंच पे निशान लगाएंगे। नौ के बाद ये 12 यानी कि 12 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद से फिर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 9 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा साइड में बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम इस तरह से निशान लगा के अलग कर लेंगे। इसे हमें काट के अलग कर देना है। ये लगभग 5 इंच चौड़ा है, तो बेल्ट हम इसी का बनाएंगे। ये देखिए 6,
सिक्स और एटीन, और नीचे की तरफ है नाइन नाइन और बीच में ट्वेल्व। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, यानी कि ये साइड में बच गया है, ये लगभग 5 इंच है। नाइन प्लस नाइन एटीन, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, बस इतना याद रखना है। अब हम ये जो पट्टी है एक्स्ट्रा, इसको काट लेंगे। ये लगभग 5 इंच कपड़ा चौड़ा बचा है, जिसको हम बाद में बेल्ट में लगाएंगे। अब हम ये निशान को आपस में जोड़ लेते हैं। नाइन पे जो हमने निशान लगाया था और सिक्स पे, इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। दूसरी साइड सिक्स और नाइन, इन दोनों को भी हम मिला लेंगे, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये छह कली वाला पेटीकोट है, तो इसमें टोटल 6 पीस यानी कि 6 पीस निकलेंगे। 6 भाग हमें कर देना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सभी का पेटीकोट का मेजरमेंट लगभग एक ही रहता है। अब जो ऊपर की ओर जोड़ है ये, इसको भी हम काट के अलग कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसको ज्वाइंट कैसे करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हम इसको उल्टा कर लेंगे। ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इसको उल्टा रख लेंगे। इसको हम सिक्स और सिक्स वाले में मिला लेंगे ट्वेल्व को, यानी कि जो चौड़ा चौड़ा भाग है वो नीचे की ओर रहेगा, और जो कपड़े का पतला वाला भाग है सभी, वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब देखिए ये आपस में मिल गया है, सिक्स सिक्स और ट्वेल्व, नाइन नाइन एटीन। इस तरह से हमें इसको सिलाई करनी है। इसी तरह दूसरा भाग है, उसको भी हम सिलाई करेंगे। मैं दूसरा भाग भी आपको रख के बताती हूँ। ये नाइन नाइन एटीन, सिक्स सिक्स ट्वेल्व। अब इसी तरह से दूसरा भाग भी मैं आपको रख के बताऊंगी सिलाई करनी है कैसे। सेम वैसे इसको भी रख के सिलाई करना है। अगर आपको दिक्कत हो समझ में, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पतला पतला भाग है सिक्स और ट्वेल्व का, इसको हम आपस में तीनों भाग को जोड़ लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। इस पेटीकोट का घेर भी बहुत अच्छा आता है। अब दूसरा साइड का भी हम ज्वाइन करेंगे।
अब ये पेटीकोट का एक पल्ला तैयार हो गया। अब दूसरा पल्ला भी तैयार कर लेते हैं हम, दूसरा साइड भी, उसको भी सेम इसी तरह से हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा आगे का पीछे का दोनों पल्ला दोनों साइड तैयार हो गया है, सिलाई हो गई है। अब इसका एक साइड का सिलाई करना है हमें। अभी हम एक साइड का सिलाई कर लेंगे, उसके बाद बेल्ट लगाने के बाद और नीचे पट्टी जोड़ने के बाद हम दूसरी तरफ भी सिलाई करेंगे, लेकिन पहले हम ये एक साइड का सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम पूरा सिल लेंगे। ये मैंने ये सिलाई कर ली है, दोनों पल्ला को अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमें लगाना है बेल्ट इसमें, तो बेल्ट हमें इस तरह से उल्टी तरफ लगाना है। ये हमें उल्टी तरफ बेल्ट को इस तरह से रखना है। ये जो हमने साइड वाला पार्ट निकाला था 5 इंच चौड़ा जो है, वही वाला पार्ट है इसका। और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम काट लेंगे। पहले हम सिलाई करेंगे, उसके बाद जो कपड़ा इसमें से एक्स्ट्रा बचता है उसको हम काट लेंगे। तो आइए मैं बताती हूँ पहले बेल्ट जोड़ के, बेल्ट जोड़ने के बाद आगे का सिलाई कैसे होगा मैं बताऊंगी। इस तरह से पेटीकोट को उल्टा रख के हमें ये बेल्ट को जोड़ना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग करेंगे। अब हम ये किनारे का सिलेंगे। इसके लिए हमें देखना है ये जो सीधी तरफ हमारा पेटीकोट है उस साइड, ये हमारा सीधा तरह का है, तो इस तरह से बेल्ट को मोड़ के हमें सिलना है। पहले हमने उल्टी तरफ सिलाई की थी, अब इसको सीधा पलट के सिलना है। तो पहले हम इसका किनारा इस तरह से हल्का सा मोड़ के और सिलाई कर लेंगे ताकि किनारे की ओर सफाई रहे। इसी तरह दूसरी साइड का भी हमें सिल लेना है। ये रख के देख लेंगे कपड़ा किस तरफ से सीधा है, उसी साइड हमें इसको मोड़ के सिलना है। इसके बाद हम इसके नीचे का जो बेल्ट के नीचे का जो पार्ट है उसमें 4 इंच पे निशान लगा के उसकी भी सिलाई करनी है। ये बेल्ट का दोनों किनारा सिलाई हो चुका है। अब बेल्ट के नीचे 4 इंच पे निशान लगा लेना है।
और जिस तरफ हमने बेल्ट को मोड़ा था उस तरफ नहीं मोड़ना है, उल्टी तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करके इसको सिलाई करनी है। 4 इंच पे दोनों साइड ही हमें सिल लेना है। इसी तरह दूसरे साइड भी हम बेल्ट के नीचे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको भी हल्का सा मोड़ के सिल लेंगे। ये देखिए बेल्ट को एक तरफ से मैंने सिल लिया है उल्टी तरफ से। अब इसको सीधी तरफ हमें इस तरह से मोड़ के सिल लेना है। अगर आप चाहें तो नीचे की ओर हल्का सा फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा इस तरह से ऊपर की तरफ है कि सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है मोड़ के, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस पर सिलाई करेंगे। इस तरह से मोड़ के और बेल्ट को सिल लेना है। ये हमें सीधी तरफ से सिलाई करनी है। ये देखिए पेटीकोट का सीधा हिस्सा है। अब हम ये बेल्ट के एक उंगली ऊपर फिर से सिलाई करेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और सिलाई भी मजबूत रहे। इस तरह से हमें एक सिलाई ऊपर से और कर लेनी है। और ये साइड साइड में छोड़ देना है डोरी डालने के लिए, नारा डालने के लिए। ये देखिए इस तरह से ये पेटीकोट हमारा लगभग रेडी हो गया है। अब हम नीचे की पट्टी काट लेंगे, तो उसके लिए हम जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसमें इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये नीचे की तरफ हम पेटीकोट में पट्टी लगाएंगे। अब हम इसको इस पट्टी को काट लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई कितना पतला आपको चाहिए पट्टी उस हिसाब से काट सकते हैं। ये देखिए मैंने ये 1 स्केल के बराबर काटा है पट्टी। अगर पट्टी कम लगे तो आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसमें से और काट सकते हैं। अब देखिए इस तरह से मैं आपको बताती हूँ पट्टी को किस तरह से हम जोड़ेंगे। नीचे की तरफ पहले हम इसको पेटीकोट को बराबर से काट लेते हैं, गोलाई में छांट लेते हैं इसको। बहुत ज़्यादा कटिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हल्का सा कपड़ा अगर इधर उधर हो गया हो तो इसको हम नीचे से काट कर बराबर करेंगे। अब इस तरह से पट्टी हमें नीचे जोड़ लेनी है। पहले हम सभी पट्टियों को आपस में जोड़ेंगे। आपस में जोड़ने के बाद हम इसको पेटीकोट में नीचे की ओर सिलाई करेंगे, जोड़ेंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब ये थोड़ा सा जो बच गया इसको काट के अलग कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट भी लग गया हमारा, पट्टी नीचे लग गई है। अब पट्टी को फोल्ड करके हमें सिलाई करनी है, लेकिन पहले जो एक किनारा हमारा बच गया है उसको हम सिल लेंगे। तो जहाँ से 4 इंच पे हमने मोड़ा था वहाँ से नीचे तक सिलना है पूरा पट्टी तक, और सिलने के बाद पट्टी को इस तरह से मोड़ के हम सिलेंगे। ये जहाँ से हमने ये सिलाई की थी 4 इंच पे मार्क्स करके, वहीं से हमें इसको सिलना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ ऐसी ही वीडियो और भी शेयर कर सकूं। अब ये पेटीकोट लगभग रेडी हो गया। बस अब नीचे का ये जो पट्टी है उसको हम मोड़ के इस तरह से सिलाई करेंगे। अब इसको पेटीकोट को सीधा करके हम इस पे नीचे पट्टी में एक या दो सिलाई और चला लेंगे। अब ये पेटीकोट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। जो थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है उसकी हम डोरी बनाएंगे, नारा उससे बनाएंगे। मैं आपको नारा के लिए भी काट के दिखा देती हूँ किस तरह से हमें बनाना है। तो बस इसी तरह से लाइन खींच लेनी है जितना लंबा आपको बनाना हो, और इस तरह से कपड़े को काट लेना है। लगभग 50 इंच का नारा काफी होता है। अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे सभी पट्टी को। ये मैं आपको डोरी बनाना बता रही हूं। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और नीचे तक पूरा सिलाई कर लेंगे। तो हमारा पेटीकोट और नारा यानी कि ये डोरी दोनों ही तैयार है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पेटीकोट होता है, घेर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है और आसान भी बहुत है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए